दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था Redmi Note 5 Pro का हार्ड रीसेट कैसे किया जाता है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका FRP बाईपास किस तरीके से किया जाता है। तो बस आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपका भी FRP हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद में यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, उसके बाद में यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इतना करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में इंटरनेट जो कनेक्ट कर लेना है किसी अदर मोबाइल का, उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, उसके बाद में स्किप करके यहाँ से आपको इसे नेक्स्ट कर देना। इतना करने के बाद में यहाँ पर आपका जो अपडेट है वो चेक किया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर आपको थोड़ी देर जो है वेट करना होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर जो है वेट कर लेते हैं। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका फिर Redmi Note 5 Pro का जो FRP है वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद में डोंट कॉपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर पासवर्ड मांगा जा रहा है, लेकिन पासवर्ड मालूम नहीं है तो सिंपली हमें गूगल अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें गूगल अकाउंट एंटर करना होगा, तो गूगल अकाउंट हमें मालूम नहीं कि कौन सा इसमें अपडेट है, तो इस कंडीशन में हमें FRP करना होगा। तो यहाँ पर हम बैक आ जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर दोबारा हमें इस पर क्लिक करना, उसके बाद में यहाँ पर लैंग्वेज हमें सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद में यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद में यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट कर लेना, ये बात को आपको याद रखना। उसके बाद में ऐड नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, उसके बाद में यहाँ पर हमें टाइप करना है www.youtube.com, इसी चीज़ को हमें यहाँ पर टाइप करना है www.youtube.com। यहाँ पर हमने इसे टाइप कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर हमें इसे टेप करके रखना है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एक लिंक जनरेट करने का आता है, सिंपली हमें इस पर क्लिक कर देना, इस आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप शो होगा, जहाँ पर आपको ओके करके एग्री कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर नोट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना, यहाँ पर आपको टाइप करना है BN ROM। यहाँ पर आपको यही टाइप करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टाइप करना है BN ROM, और उसके बाद में यहाँ पर आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको इसे सर्च कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट लिंक आता है बाईपास गूगल अकाउंट 2023 का, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप शो होगा, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन स्मार्ट लॉक का, सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पर पैटर्न पिन और पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पैटर्न का ऑप्शन यूज करेंगे, अगर इससे नहीं होगा तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर हमें सिंपली जो है कुछ सेकंड का वेट करना होगा, उसके बाद गॉट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हमें एक पैटर्न जो है वो ड्रा कर लेना है। यहाँ पर हमें इस पैटर्न को ड्रा करके कन्फर्म कर लेना है। अब चलिए हम यहाँ से इसे पावर ऑफ वाले बटन से बंद करके और आपको दिखा देते हैं पहले ये पैटर्न काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वर्क कर चुका है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर सिंपली बैक आ जाएंगे, अब यहाँ से हमारा काम जो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम डायरेक्ट बैक आ जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हमें दोबारा से इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद में यहाँ पर हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना, कंट्री सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना, उसके बाद में नेटवर्क हमें कनेक्ट कर लेना, उसके बाद में यहाँ पर हमें टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देना है। इतना करने के बाद में यहाँ पर हमें इन सभी चीज को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अब आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन जो यहाँ पर आप दिखाई देगा, डोंट कॉपी कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है अब पैटर्न वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पर आपको जो है एक पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको पैटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आपको पैटर्न ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अब आपको इसे स्किप कर लेना, ईमेल वाले ऑप्शन को यहाँ पर आप स्किप कर लेना, पहले नहीं था स्किप का ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ पर आपको दोबारा स्किप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, उसके बाद में मोर एक्सेप्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपका जो काम है वो 100% बन चुका है। उसके बाद में स्किप वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से दोबारा स्किप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, उसके बाद में इन सभी प्रोसेस को इजिली कम्प्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से अपने Redmi Note 5 Pro का जो FRP बाईपास था वो कर सकते हैं, यानी हम ईमेल वाला जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं।